व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो आज की जर्नी होने वाली है ग्वालियर से दाहोद तक 22195 झांसी बांद्रा एक्सप्रेस से। आज हमारी जर्नी होने वाली है, जनरल क्लास की जर्नी रहेगी। अगर जनरल क्लास में भीड़ रही तो स्लीपर में जर्नी करेंगे, और जर्नी की बात कहें तो 12 घंटे का सफ़र रहेगा, 693 किलोमीटर का। इस ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ, 22195 झांसी बांद्रा एक्सप्रेस। इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2012 को, और ये ट्रेन 1320 किलोमीटर को 23 घंटे 25 मिनट में तय करती है झांसी से बांद्रा तक। और आज हमारी सफ़र होने वाली है ग्वालियर से दाहोद तक 693 किलोमीटर का, और 13 घंटे का सफ़र रहेगा, रात भर का सफ़र रहेगा, और ठंड का माहौल है। और जैसा भी होगा मैं आप सबको पूरी तरीके से जर्नी करके दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं और ग्वालियर जंक्शन का रिव्यू दिखाते हैं। तो मेमू एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया, ये ग्वालियर से टावा जाती है। तो अभी 5:51 हो रहे हैं और ट्रेन अभी आई नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर में हमारी ट्रेन आएगी। और ग्वालियर जंक्शन का तो वो ठंड का माहौल है, इसलिए मैं आपको ग्वालियर स्टेशन कुछ खास नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको जर्नी का अनुभव करके दिखाऊंगा। और ये देखना अभी ये कौन सी ट्रेन आ रही है, ये है ग्वालियर रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस WFP4 के साथ आ रही है। सातरागाछी WFP4 है। फिलहाल अभी कुछ टाइम हो गए 6:00 आगे कुछ, और रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है ग्वालियर स्टेशन पर, और झांसी बांद्रा एक्सप्रेस का आने का अभी टाइम हुआ नहीं है। वैसे तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन सफ़र के दौरान क्या होगा बस यही मैं आपको दिखा पाऊँगा। ग्वालियर स्टेशन आज नहीं, क्योंकि आज बहुत ठंड लग रही है, इसलिए ग्वालियर स्टेशन में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बस ट्रेन के आने का इंतज़ार करेंगे। तो ये है 6:05 का समय, और ये है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि इसका अभी डिपार्चर टाइम है, झांसी बांद्रा एक्सप्रेस के बाद जाएगी ये। छह बज के 40 मिनट पे आई है बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। तो आखिरकार ट्रेन का डिपार्चर हो गया 7:04 पर। ग्वालियर से चल चुके हैं, कोई ट्रेन बहुत लेट आई है, और जनरल क्लास का हाल तो बहुत बेकार ही है, और स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, और जो होगा देखा जाएगा। रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है ग्वालियर स्टेशन पर, और ये है 25 दिसंबर 2023 का। सामने खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो हम गुना वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। Thank you.
कंप्लीट हो रहे हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। ग्वालियर से काफ़ी आगे निकल रहे हैं। हमारा आज का सफ़र ऐसा ही रहेगा, आगे देखें। के 55 मिनट हो गए हैं और हम पार कर चुके हैं मोहना स्टेशन। बीच में दो तीन छोटे मोटे स्टेशन थे, तो वो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया, और शिवपुरी पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस स्थिति में हम जर्नी करेंगे। तो ये पूरे रात भर का जर्नी रहेगा, जो होगा देखा जाएगा और आपको आगे चल के दिखाऊंगा। गाइस अभी शिवपुरी पहुँचने में हो गई देर, अभी 8:22 हो गए, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे शिवपुरी, नज़ारा देखें। तो 8:44 हो गए हैं और अभी तक शिवपुरी नहीं पहुँचे हैं। शिवपुरी अब कितनी देर हम पहुँचेंगे ये भी अब देखना पड़ेगा। और आप लोग ये देख रहे हैं ना पीछे का बैकग्राउंड, ये मैं स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहा हूँ, वो भी गेट पर खड़े होकर, क्योंकि अब समझ लो जनरल क्लास के टिकट लिया है और सीट मिलना मुश्किल पड़ गया, इसलिए स्लीपर में सफ़र कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे का जो होगा देखा जाएगा, और शिवपुरी कितनी देर हम पहुँचते हैं फिर देखेंगे। तो 8:52 पे हम आ गए हैं शिवपुरी रेलवे स्टेशन। बस ठंड का माहौल है, फिर भी हम पहुंच रहे हैं शिवपुरी रेलवे स्टेशन। अभी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो 11:30 आ गई है गुना जंक्शन। वैसे 10 का आने का टाइम था, गुना जंक्शन पर, और वैसे 10:30 आई आते, पौने घंटे लेट चल रही है। वैसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से एक लाइन अशोक नगर बीना की ओर निकल जाती है और हम सीधे ग्वालियर वाली लाइन से आए और सीधे निकल जाएं उज्जैन की ओर, इसलिए गुना को जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी ठंड बहुत कम है और फिर भी रात के जैसे सफ़र में सही लग रहा है। गुना जंक्शन का रात का माहौल, तो फिर चलते हैं अपने कोच की ओर।
दोस्तों 11:07 पर आए हैं रोटियाई जंक्शन और काफ़ी खाली सा लग रहा है, काफ़ी शांत है, लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और रात के 11:09 हो गए हैं। रोटियाई जंक्शन इसलिए कहा जाता है, एक लाइन सीधे उज्जैन की ओर गई और डबल लाइन सीधे कोटा की ओर गई है, इसलिए रोटियाई जंक्शन कहा जाता है। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप लोगों ने पार्ट वन ज़रूर देखा होगा और आज है 1 जनवरी, तो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आपका मंगलमय हो, ऐसी मेरे तरफ से आप सबको शुभकामनाएं और वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और जिसने जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नेम लिख के रखा है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। तो अगली जर्नी को इंजॉय करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। हैप्पी न्यू ईयर।